व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते होंगे। सो भाई, फाइनली अपने इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम का न्यू अपडेट आ चुका है भाई। और हाँ भाई, इसके अंदर अभी सिर्फ मड मोड ही ऐड हुआ है, तो आप लोगों को बताता हूँ भाई कहाँ पर ऐड हुआ है। तो आप लोगों को जो न्यू सिटी है ना भाई, तो उसके अंदर तो आप लोगों को तो पता ही है कि भाई एक स्टंट एरिया है, तो उसके जो आगे की तरफ आप लोगों को जाना है। ठीक है भाई, मैं आप लोगों को ठीक से दिखा के जाता हूँ। आप लोगों को इस टाइप से जाना है भाई यहाँ से। और हाँ भाई, अपने जो फार्मिंग वाला मोड है ना भाई, वहाँ पे भी एक मड मोड है, और जो छोटा वाला जो मैप है ना भाई, ओल्ड मैप, उसके अंदर भी एक फार्मिंग जो ये मड मोड है, तो छोटे छोटे है वो वाले, और ये भी छोटे छोटे ही है, मतलब काफ़ी जगह पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ये। और हाँ, तो चैन मैप में आप लोगों को वो देखने को नहीं मिलता है। बाय द वे भाई, बात करते करते भाई हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पे सामने, देख सकते हो भाई आप लोग अपने मड मोड। और मैं आप लोगों को अपने स्कॉर्पियो को कूदा के दिखा देता हूँ भाई कि कैसा लगता है भाई ये मड मोड के अंदर अपने स्कॉर्पियो को डालने पर कैसा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने स्कॉर्पियो को डाल दिया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, मतलब स्कॉर्पियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर तो है भाई। 280 NM का टॉर्क मैंने इसके अंदर डाल रखा है, मैं बता दूँ भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, काफ़ी अच्छे तरीके से अपने स्कॉर्पियो जा रही है। और हाँ भाई, अपने जो न्यू जो दो कार स्पॉन करने का भाई ऑप्शन आया है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई आगे उसका यूज़ कैसे करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर अपने स्कॉर्पियो एकदम मस्त तरीके से जा रही है, तो अगर कभी भी यहाँ पर फंस जाए तो भाई आप लोगों को जो दूसरे व्हीकल जो है ना, उसको यूज़ करना है आप लोगों को, अपने जो पिछले वाले जो गाड़ी फंसी है उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पर अपने स्कॉर्पियो शायद से फंस चुकी है भाई, काफ़ी गंदे तरीके से गाड़ी आगे भी नहीं जा रही, उल्टा पीछे जा रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, आप लोगों को जानना है ऑप्शंस जो है ना, यहाँ पे जानना है, उसके बाद आप लोगों को न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पॉन व्हीकल का, तो AI ऑफ देखने का आप लोगों को उसको ऑन कर देना है आप लोगों को क्लिक करके। उसके बाद आप लोगों को भाई यहाँ पर क्लिक करना है, मैं आप लोगों को एरो दिखा दिया हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद भाई आप लोग देख सकते हो भाई, अपने जो ट्रैक्टर मिला है मुझे, तो मेरे को लाइक मुझे ये ट्रैक्टर नहीं चलाना है, तो मैं यहाँ पर से अपने जो ट्रैक्टर है उसको चेंज कर लूँगा, जो नॉर्मली जैसे करते हैं ना गाड़ी को चेंज, आप लोगों को तो पता ही होगा कि गाड़ी को कैसे चेंज करते हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ से अपने गाड़ी को चेंज करके एंडोवर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया और इसको मैं लेके जाता हूँ स्कॉर्पियो के पास। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और जाना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक चेन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एरो भी शो करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई, आप लोगों को ये एक चेन वाला ऑप्शन इनेबल हो चुका है, तो इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी जब आप लोग अपने जो आगे वाली गाड़ी उससे खींचोगे। और हाँ, आप लोगों को जो फ्रंट टच एंड मोड है ना भाई, वो भी आप लोगों को मिल चुका है भाई। आप लोग अपने गाड़ी जो है ना, उसको फ्रंट से भी भाई आप लोग टो कर सकते हो भाई, देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से अपने जो फ्रंट से भाई ये चेन से लग चुके हैं, तो इसको आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे AI गियर, तो यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट मिलेगा डिफ़ॉल्ट में, तो यहाँ पर आप लोग अगर क्लिक करोगे तो हो जाएगा बैक। उसके बाद अगर क्लिक करोगे तो वो आपके जो मेन गाड़ी है उसके साथ वो सिंक हो जाएगा, मतलब आप लोग इसमें जो गियर डालोगे या फिर जैसा भी कंट्रोल करोगे इसे, तो ये उसके तरफ से चलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई, आप लोगों को दो गाड़ी एक साथ कैसे चलानी है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो AI ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आप लोगों को ऑन कर देना है, देख सकते हो भाई। और आप लोगों को यहाँ पर से नीचे से आप लोगों को उसका जो पावर है गाड़ी का, उसको कम ज़्यादा कर लेना है अपने हिसाब से। और तो आप लोगों को गियर का तो मैंने बता ही दिया है। तो ठीक है भाई, यही था भाई अपने जो टच एंड मोड था जो न्यू ऐड हुआ है दो। और हाँ, आप लोग इससे भाई रेस भी करा सकते हो भाई, देख सकते हो भाई अपने स्कॉर्पियो का ही पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।